यांत्रिकी में आगे चलते हैं। तरुण की बात सुनकर मुझे भी चार पंक्तियां सुनाने का मन कर गया है। आज सामने आया हूं मैं, धोखे कितने खाया हूं मैं, बरसों कह न पाया हूं मैं, संगी साथी लाया हूं मैं, दिखता हूं क्या अब भी वैसा, पर तस्वीर सयानी है, नए ढंग से कहता हूं पर बातें वही पुरानी हैं। क्या बात है, बहुत खूब। कड़ी में आगे चलते हैं, नवीन कुमार का मैं स्वागत करना चाहूंगा, प्लास्टिक 2008। नवीन कुमार हमारे साथ दक्षिण कोरिया से जुड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से 3 या 4 घंटे हमसे आगे चल रहे होंगे ये। हेलो जी पीयूष, मुझे ना सुमित्रा नंदन पंत की एक पंक्तियां याद आ गईं। जी जरा उसको कोट करना चाहूंगा, जो अभी पहले बात हुई ना जी। तो सुमित्रा नंदन पंत बोलते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो वियोगी, वियोगी आपको उस राह पे ले जाता है। हाँ, कैरी ऑन। नवीन कुमार का स्वागत करता हूं मैं उन्हीं की पंक्तियों के साथ। रंग ये ऐसा क्यों चढ़ा है, माटी का रंग माटी रहने दो, सतरंगी चेहरे बेरंग दिल, अब दोनों को रंगीन बनने दो। स्वागत है नवीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और जैसा कि तरुण सर ने बताया, उनकी ये पहली पहला कवि सम्मेलन है, मेरी भी हालत वैसे ही है। नवीन तुम्हारा समय कितना हो रहा है? अरे नर्वस मत हो, ये तो तुम्हारा समय कितना हो रहा है, तुम हमसे आगे चल रहे हो, 2 बज रहे हैं। जी सर, यहाँ 1:40, लेकिन कविता ने जगा रखा है मुझे। तो देखिए सर, तो नवीन, सबसे पहले यहाँ पे मेरे स्कूल के टीचर श्री अरविंद सर हैं, उनको मैं चरण स्पर्श करता हूँ, और अपने सारे सीनियर्स और दोस्तों को प्रणाम, आशीर्वाद बेटा। मैं शुरू करता हूँ अपनी कविता। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो थोड़ा वीर रस है इसमें, हो सकता है छलक जाए, तो वॉल्यूम अपना सेट करिए। सेट कर लिए। ये कविता है पिछले साल 2019 में 14 फरवरी को पुलवामा में बहुत ही विदारक दुर्घटना हुई थी, उसमें हमारे वीर जवानों को धोखे से मार दिया गया है। तो उन्हीं कविताओं को उन्हीं को वर्णन करते हुए कुछ लाइनें हैं। तो कविता के 4 खंड हैं। तो सबसे पहला खंड एक सैनिक का जो धर्म होता है उसको प्रस्तुत करते हुए, जब वो सरहदों पर सांसों की शतरंज सजाए बैठे थे, अपने घर वालों की आंसों को दांव पर लगाए बैठे थे, हर हिंदुस्तानी का अभिमान बचाए बैठे थे, वो भरतवंशियों की आन का जाम लगाए बैठे थे। क्या बात है। मातृभूमि की खातिर मरघट का उपहास बनाए बैठे थे, मातृभूमि की खातिर मरघट का उपहास बनाए बैठे थे, भारत माँ पर आंच न आए, दधीची अपनी अस्थियां सुलगाए बैठे थे। तो क्या बात। ये पहला चरण जो एक सैनिक का धर्म है, इसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही कठिन, जटिल नहीं असंभव है, क्योंकि इमेजिन करिए वीर रस के कवि लोग जो है कविता के माध्यम से उसको व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन जो युद्ध में सामने जो है गोली लगने का खतरा है उसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता है। एक पल जो है, एक पल की चूक पूरे परिवार को नहस नहस कर सकती है। तो ये थोड़ा सा प्रयास था उनके धर्म को बताने के लिए। तो अगली कड़ी में है, तब क्या हुआ था, सिंहों के काफिले पर एक भेड़िया छद्म किया था, सिंह गर्जनाओं को धूर्त धमाके में दफन किया था, लाल की छत विक्षत छाती देख पूरा भारत रो पड़ा था, लाल की छत विक्षत छाती देख पूरा भारत रो पड़ा था, तिरंगे की पहचान आज तिरंगा ओढ़े सो पड़ा था, तिरंगे की पहचान आज तिरंगा सोए पड़ा था, माँ को जब लाल के अंतिम दरस को मोहताज होना पड़ा था, उसके कलेजे का टुकड़ा आज टुकड़ों में बंधा पड़ा था, माटी का कण कण केसरी लहू से लथपथ सना था, माटी का कण कण केसरी लहू से लथपथ सना था, वीर सपूतों का बलिदानी रक्त इतना घना था, केवल कुर्बान सपूतों के घर बस दीपक नहीं बुझा था, पूरे भारत कुल का सूरज तम में डूब गया था, पूरे भारत कुल का सूरज तम में डूब गया था, हर शहीदी शहर, उस समय क्या था कि प्रयागराज में कुंभ भी था और मैं उस समय सौभाग्य से कुंभ नहाने का मौका मिला था, तो उन्हीं को कुछ समेटते हुए लाइनें, और मैंने वो मंजर देखा था, मेरे जिले के बनारस के चंदौली के लोगों ने कुर्बानी दी थी, तो बहुत ही उसी मंजर को व्यक्त करते हुए कुछ लाइनें, हर शहीद के जनाजे में
महाकुंभ उमड़ पड़ा था, हर शहीदी शहर प्रयागराज बना पड़ा था। उन्होंने उन्होंने भ्रमवश प्रहरियों पर प्रहार किया था, नहीं अब भारत माँ का आंचल छू लिया था। हर गली चौराहे पर बस एक ही गूंज उठी थी, अब सांपों सपोलों को नहीं सपेरों को कुचलने की ठनी थी। तो ये कविता का दूसरा खंड है, समाप्त होता हो गया। अब कविता जो है अपनी तीसरे खंड में जाएगी। इसमें थोड़ा सा वर्णन है कि अगर किसी से इंडिया में या इंडिया में पूछा जाए कि कौन सी ऐसा व्यक्ति है, कौन सी ऐसी संस्थान है जिसको निर्विवाद है, मतलब उस पर कोई दाग नहीं लगाना चाहेगा, उसके खिलाफ कोई शब्द नहीं सुनना चाहेगा, तो इसमें जिनका जो लोग हैं उनका वर्णन है, और जो लोग नहीं है उनसे मैं माफी मांगना चाहूंगा। शायद इस लिस्ट ये लिस्ट बड़ी ही पाक है, पवित्र है। तो भरत वंशियों से सिर मौर्य कौन है अगर यह पूछो, मंत्री जंत्री संतरी नहीं है बस यह बूझो, हर सैनिक हर घर का राज मुकुट है बस यह बूझो, जो कोई उन समर सपूतों को हाथ लगा जाता है, जो कोई उन समर सपूतों को हाथ लगा जाता है वो भरत वंशियों की गिरेबान पकड़ सा जाता है, वो भरत वंशियों की गिरेबान पकड़ सा जाता है। तब बच्चा बच्चा भगत सिंह शेखर अशफाक बन जाता है, बच्चा बच्चा भगत सिंह शेखर अशफाक बन जाता है, भारत के चप्पे चप्पे पे इंकलाब लिख जाता है। वाह वाह कर सकते सर, अच्छा कह गए सर, बहुत बढ़िया, ज्यादा कर लेंगे तो बहुत अच्छे, बहुत ही खूब लिखा है, पंच लाइन बहुत बढ़िया है, सही कह गए सर, आपके जो बेहतरीन है इसमें सर, इसमें कोई नो डाउट है, इसमें बढ़िया है। वीर शिवाजी की तेज तलवार तड़प सी जाती है, राणा का स्वाभिमानी भाला भड़क सा जाता है। इसमें जो है महिलाएं भी पीछे नहीं है। हर नारी दुर्गा रणचंडी बन जाती है, दानवों की मुंडी माला पहन ही चैन पाती है, दानवों की मुंडी माला पहन ही चैन पाती है। तो ये था तीसरा खंड। अब कविता अपने अंतिम चरण में प्रवेश करते हुए स्वागत है आइए। देखिए, शहीदों की चिताएं जल चुकी थी लेकिन उनकी अस्थियां सुलग रही थी हर भारतीय के हृदय में, और उसका ताप जो है भारत सरकार को महसूस हो रहा था। भारत सरकार भी मन बना चुकी थी कि कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, तमाम मीडिया में वो सब खबरें आ रही थी। तो आगे के खंड में भारत सरकार ने जो की, भारत की सेना ने, एयरफोर्स ने जो किया, उसी को समर्पित कुछ लाइनें, उसमें अभिनंदन का भी वर्णन है। देख देशवासियों का दम, जब कंट्री सपोर्ट करती है तभी सरकार को दम मिलता है, ये एक सुदृढ़ लोकतंत्र की निशानी है। तो देख देशवासियों का दम, दिल्ली ने दमखम दिखलाया था 13वीं से पहले, क्योंकि 14 फरवरी को हुआ था और 26 को, जहां तक मेरी याददाश्त है, 26 फरवरी को अटैक हुआ था बालाकोट में। तो 13वीं से पहले बालाकोट में बम करवाया था, धू धू करके उड़े थे नरभक्षी, अब सिंह ने आखेट लगाया था सामने से, बिना बताए लिखे, बहुत बढ़िया, सामने से हुआ। अब सिंह ने आखेट लगाया था। उस समय जो भारत ने अपने कूटनीतिक कौशल का विश्व में परचम फहराया था, लेकिन सीमा पार वाले ने फिर अपना असली रंग दिखलाया था, कुछ भी नहीं हुआ कहकर जग को भरमाया था। वो मीडिया में आ रही खबर, अरे कुछ नहीं हुआ, लेकिन हुआ था। तो फिर लेकिन बाज ने सांप को पंजे में जकड़ लिया था, विषधर अपनी फितरत से बाज नहीं आ सका था। फाल्कन जो F-16 था उनका, फाल्कन की गीदड़ भभकी लेकर भारत में आ उड़ा था, तब अभिनंदन ने शौर्य चंदन तिलक किया था। जो मिग 16 मिराज, उसका नाम मिराज भी है, मिराज के सिंह ने फाल्कन के हाथी से हाथ मिलाया था, पल भर में मतवाले गज को रज में मार मिलाया था। शेर गया दूसरे जंगल तो क्या, वहां भी राजा कहलाया था, सिंह आ गया यह कहकर पूरे पाक में हाहाकार मचाया था। पूरे पाक में बहुत मीडिया में आ गया था कि ये देखो आ गया बिना डरे, चाय बहुत अच्छी है, वो सब बहुत सारा मजाक भी हो रहा था, आई लाइक द टी सर।
रग रग मौत को मात देकर, मौत को मात देकर डर को भी डराया था, रग रग अभिनंदन का सैन्य धर्म निभाया था, रग रग अभिनंदन का सैन्य धर्म निभाया था। शत्रु की धरा पर भी, शत्रु की धरा पर भी अजात शत्रु बन आया था, जिन्ना की जमी पर अभिनंदन ने भारत चरित्र फहराया था। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कविता समाप्त होती है, मैं अपने गुरुजी को भी प्रणाम करना चाहूंगा। अरविंद सर आपको प्रणाम, सर रहते हैं तो थैंक यू सर, बहुत बढ़िया नवीन, बहुत बढ़िया सर, बनारस बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन, बहुत अच्छा सुनाया तुमने, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैं चाहूंगा जिंदगी कुर्बान हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जिंदगी जो कुर्बान हो तो कुर्बान वतन पर, गर बहे खून अपना तो अमन चमन पर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह सर वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। और वो मेरा 21 था नवीन, वो मिग 21 था, मार्क 3। हाँ, मिग 21 ने उनको हराया था, ये सोचने वाली बात है। हाँ जी सर, वही। हाँ वो जो है थर्ड जनरेशन का एयरक्राफ्ट था MiG-21 बाइसन, क्योंकि मैं एचएल जी सर, तो बहुत अच्छा। और मिराज होता तो बहुत ही मारता उनको, MiG-21 ने उसको मार गिराया था। सर बात नहीं, मैं दो लाइन सर मैं बोलना चाहूंगा, इसमें ऐड करना चाहूंगा, फिर रस की बात आई है। हाँ श्वनी बोलो यार, बोलो सर। मिट्टी का कर्जा था थोड़ा अदा करा, दोबारा दोबारा दोबारा, कर्जा था। आवाज ठीक नहीं आ रही है। हाँ बोलो 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 दोबारा। हेलो अब आ रही है ना? हाँ हाँ अच्छी आ रही है। हाँ, मिट्टी का जो कर्जा था थोड़ा अदा किया, सरहद पर गोली खाई, प्राणों को विदा किया, पर बेशक छूट गया ये जिस्म तेरी ही सेवा में, बेशक छूट गया ये जिस्म तेरी ही सेवा में, तुझको ही माथे पर लीपा अपना खुदा किया। आए आए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बढ़िया। प्यूसर मैं रात में यहाँ पे जागरण कर रहा हूँ, तो एक कविता और बनती है मेरी। चलो स्वागत है, स्वागत है नवीन। नहीं सही में, तुम रात के 2 बजे तक साथ में हो, तो चलो तुमको मौका दिया, तुम्हारा तो स्वागत है। हम लोगों को भी लग रहा अपने टाइम पे ले जाओगे। सर क्या हुआ, अभी सर ने एक भ्रूण हत्या बहुत अच्छी कविता कही, और मेरे पास सर बहुत सारी है, लेकिन मैं समय को ध्यान रखते फिर कभी सुनाऊंगा। तो भ्रूण हत्या पे ही, जो कन्या को चैन वो स्कैन करके सेलेक्टिव जो फीटल फोर्टिसाइड बोलते हैं वो चल रहा है, भारत में कानून तो है लेकिन वो चल रहा है बहुत धड़ल्ले से। तो उसी को व्यथा को व्यक्त करते हुए, मान लीजिए कि 4 महीने का फीटस हुआ और डॉक्टर ने चेक किया, चलो भाई हो गया 500 रुपये लेके, तो उसी को व्यथा को व्यक्त करना चाहूंगा कुछ पंक्तियों से। किस कलम से मेरी कथा लिखे हो, किस कलम से मेरी कथा लिखे हो, अधूरी सांसों की व्यथा लिखे हो, स्याही है, स्याही है, जरा देखो मेरा लहू भरे हुए हो, मेरा लहू भरे हुए है। जिंदगी पनपती जिस खेत में, जिंदगी पनपती जिस खेत में, कितनी सांसें घुटी हैं उस रेत में, मन चाहा फल खाने को, कितनी रेत दिए सेत में। कर्ज मेरा ज्यादा न था, कर्ज मेरा ज्यादा न था, उधारी धड़कनों का खास वादा न था, कुछ खून कुछ पानी, तुच्छ महीनों की मेरी कहानी। माफ करना उम्मीद का दिया न बनी, तेल कम था और तूफान से थी ठनी, तेल कम था और तूफान से ठनी, कोई जो आड़ देता बच जाती, क्या पता आगे तुम न पछताती, क्या पता आगे तुम न पछताती। इसी के साथ में यू सर का बहुत धन्यवाद, उम्दा बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन, बहुत बढ़िया नवीन। काव्यांत्रिकी की संध्या की पहली कवित्री लिपिका मित्तल, 2014 बैच, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो यूएस से हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका स्वागत करना चाहूंगा। स्वागत।